हेलो दोस्तों, अगर आपको 20,000 रुपए की जरूरत पड़ रही है और आप 20,000 रुपए का लोन लेना चाहते हो तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो में आपको एक बेस्ट एप्लीकेशन दिखाने वाला हूं, जो कि आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर 20,000 रुपए का लोन आसानी से प्रोवाइड करा देता है। मुझे 20,000 रुपए की जरूरत थी तो मैंने एक एप्लीकेशन से अप्लाई किया था, वही एप्लीकेशन मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। आपको लाइव डेमो दिखाने वाला हूं कि आपको 20,000 रुपए का लोन कैसे अप्लाई करना है, आपको 20,000 का लोन कैसे मिलेगा। पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान समझना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो यार इस वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस को आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस की, आपको कौन से एप्लीकेशन से 20,000 का लोन कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में बात करें, जैसे अगर आपको 20,000 रुपए की जरूरत पड़ रही है, आप 20,000 रुपए का पर्सनल लोन लेना चाहते हो, तो आपके लिए ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन बेस्ट एप्लीकेशन होने वाला है। ये एप्लीकेशन आपको आधार कार्ड के माध्यम पर आसानी से 20,000 रुपए तक का लोन दे देता है, तो आपको इससे लोन अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल फोन में। अब आपको इससे लोन अप्लाई करना है, कैसे करना है वो तो मैं आपको सिखाऊंगा, बस वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, तो मैंने उसको ऊपर साइड में स्क्रॉल कर दिया। तो अगर आप इस एप्लीकेशन की डाउनलोडिंग की बात करें तो आज के टाइम पर 50 मिलियन प्लस की डाउनलोडिंग है, समझ रहे हो। अभी के टाइम में 5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं जो कि इसको डाउनलोड करके यूज कर रहे हैं। और अगर आप रेटिंग की बात करें तो 4.4 की एक अच्छी खासी रेटिंग संख्या इस एप्लीकेशन को मिली हुई है। तो यहाँ पर 99% चांस होंगे आपको लोन मिलने के, लेकिन आपको सही तरीके से अप्लाई करना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन पर क्लिक करना है, मैंने ओपन पर क्लिक कर दिया। अब मैं आपको जैसे प्रोसेस बताऊंगा वैसे ही आपको प्रोसेस करना है। अब देखो, मेरा तो ये एप्लीकेशन डायरेक्टली यहाँ पर ओपन हो चुका है, देख सकते हैं मेरा एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। लेकिन अगर आपने इस एप्लीकेशन को अगर पहली बार अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड किया है, तो सबसे पहले आपके सामने मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आए तो आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आया तो आपको OTP डाल के वेरीफाई कर देना है। जैसे आप वेरीफाई कर दोगे उसके बाद आपके सामने इस तरीके का होम पेज ओपन हो जाएगा। अब इस एप्लीकेशन में आपको दो तरीके के लोन देखने को मिलते हैं, मेरी बात को ध्यान समझना। पहला लोन आपको देखने को मिलता है कैश लोन, इसका नाम है कैश लोन, जिसमें अगर आप अमाउंट की बात करें तो मिनिमम आपको 5,000 रुपए का लोन मिल जाता है, मैक्सिमम आपको 1,00,000 तक का मिल जाता है। 5,000 से लेकर आप 1,00,000 तक के बीच में लोन अप्लाई कर सकते हो, जितना लोन चाहिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और अगर आप EMI की बात करें तो आप 3 महीने से लेकर 12 महीने की EMI बना सकते हो इस 1,00,000 रुपए तक के लोन की। अब बात कर लेते हैं दूसरा आपको कौन सा लोन देखने को मिलता है। तो अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे ऊपर की साइड में, तो दूसरा लोन आपको देखने को मिलता है लीवल अप लोन, इसका नाम है लीवल अप लोन, जिसमें अगर आप अमाउंट की बात करें मिनिमम आपको 1,000 का लोन मिल जाएगा, मैक्सिमम आपको 15,000 का मिल जाएगा। 1,000 से लेकर आपको 15,000 तक का लोन देखने को मिलेगा लीवल अप लोन में। और देखो, दोनों लोन को अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम होने वाला है, चाहे आप कोई सा भी लोन अप्लाई करो प्रोसेस सेम होगा, आपको कोई भी टेंशन नहीं है। अब मुझे क्या है, मुझे 20,000 रुपए का लोन अप्लाई करना है, मुझे 20,000 की जरूरत है, तो आपको ये वाला लोन अप्लाई करना है कैश लोन। तो आप इस पर क्लिक करो अप्लाई नाउ पे, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब आपको कैसा प्रोसेस करना है, मेरी बात को ध्यान समझना, मेरे सारे स्टेप को ध्यान से समझते रहना। तो दोस्तों, आपके सामने इस तरीके का होम पेज ओपन हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान समझना, यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, हाउ मच डू यू नीड। अब ये पूछ रहा है आपको कितना अमाउंट चाहिए, आप कितना लोन लेना चाहते हो। फर्स्ट स्टेप में आपको लोन अमाउंट सेलेक्ट करना है, जैसे कि देखो मिनिमम आप 5,000 सेलेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम आप 1,00,000 कर सकते हो। अब आपको जितना लोन चाहिए, जैसे मुझे 20,000 चाहिए तो मैंने इसको 20,000 की लिमिट को सेलेक्ट कर, 20,000 रुपए को सेलेक्ट कर दिया है। फर्स्ट स्टेप में आपको लोन अमाउंट सेलेक्ट करना है। सेकंड ऑप्शन में आपसे पूछेगा आप कितनी EMI बनाना चाहते हो, कितने महीने के लिए लोन लेना चाहते हो। अगर आपको 3 महीने के चाहिए तो 3 को सेलेक्ट करोगे, 6 के लिए चाहिए तो 6 को सेलेक्ट करोगे, 12 महीने के चाहिए तो 12 को सेलेक्ट कर। तो मुझे लोन चाहिए 12 महीने के लिए, तो देख सकते हैं मैंने इसको 12 महीने पर सेलेक्ट कर दिया। फर्स्ट में देख सकते हैं मैंने 20,000 सेलेक्ट किया, दूसरे मैंने 12 मंथ को सेलेक्ट कर दिया। अब देखो मेरी मंथली EMI बनेगी, मेरी 2,081 रुपये की मेरी मंथली EMI बनने वाली है, वो साफ साफ क्लियर कर देगा, आगे चले कोई भी टेंशन नहीं होगी। अब जैसे देखो, अगर मैं 20,000 का लोन लेता हूँ 12 महीने के लिए, मेरी मंथली EMI बनेगी 2,081 रुपये की, सारी चीज़ कन्फर्म है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट 2.4% लगने वाला है। अब आप सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, अगर आप लोन लेना चाहते हो तो सिंपली आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब मेरी बात को ध्यान समझना, अब आपके सामने ऑप्शन आएगा व्हाट इज द लोन पर्पज। अब ये पूछ रहा है आप लोन किस लिए लेना चाहते हो, लोन को लेने का पर्पज क्या है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी है, या फिर हाउस रिपेयरिंग के लिए चाहिए, बिजनेस के लिए चाहिए, या फिर एजुकेशन के लिए, आपको जिस लिए चाहिए आपको वो सेलेक्ट कर देना, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपके सामने आएगा व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस, जैसे कि देखो अगर आप सिंगल है तो सिंगल को सेलेक्ट करोगे, मैरिड है तो मैरिड को सेलेक्ट करोगे, तो मैंने अपने हिसाब से सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपके सामने आएगा व्हाट इज योर लेवल ऑफ एजुकेशन, आपकी एजुकेशन कितनी है, अगर आप 10th में पढ़ रही हो या 10th पास है, 12th पढ़ रही हो, या फिर मास्टर हो, वर्चुअल डिग्री, आपकी जो भी एजुकेशन है आपको एजुकेशन को सेलेक्ट कर देना, तो मैंने अपनी एजुकेशन को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपके सामने आया व्हाट इज योर हाउसिंग टाइप, जैसे कि देखो अभी के टाइम पर आप जिस घर में रहती हो वो घर अगर आपने अपने पैसों से खुद के पैसों से बनवाया तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करोगे सेल्फ ओनेड पे, अगर वो अगर किराए का है तो आप सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, अगर वो घर अगर अपने मम्मी पापा ने बनवाया है तो थर्ड वाला सेलेक्ट करो पेरेंट्स।
अगर वो घर के किसी रिश्तेदार का है तो आप फोर्थ वाला क्लिक करो, आपको यहाँ पर सही जानकारी फिलअप करनी है अपने हिसाब से, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपके सामने आया डू यू हैव ए जॉब, अभी के टाइम पर क्या आप कोई जॉब करती हो तो आप सैलरीड को सिलेक्ट करोगे, अगर आप कोई खुद का काम करते हो खुद का बिजनेस करते हो तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक करोगे, अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट को सिलेक्ट करोगे, हाउस वाइफ हो तो हाउस वाइफ को सिलेक्ट करोगे, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया अपने हिसाब से। उसके बाद आपके सामने व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप रेगुलर एम्प्लॉय हो, कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉय हो, फ्रीलांसर हो, जो भी हो आपको सिलेक्ट कर देना है, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपके सामने आएगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, आप जो काम कर रहे हो आप कितने सालों से कर रहे हो, जैसे एक साल से, दो साल से, पाँच साल से, आपको सिलेक्ट करना अपने हिसाब से, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपके सामने व्हाट इज योर नेम ऑफ योर कंपनी ऑफ शॉप, अगर आपको कंपनी में काम करते हो तो उस कंपनी का नेम डालना है, अगर आपके पास कोई दुकान है खुद का बिजनेस है तो उसका नाम डालना है, अगर आपके पास नई कंपनी है नई दुकान है उस कंडीशन में यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना, जो भी आपका नाम हो, तो मैं यहाँ पर अपना नाम डाल दे रहा हूँ, मेरे पास कोई दुकान कोई कंपनी नहीं है तो मैंने यहाँ पर अपना नाम डाल दिया, इस तरीके से आपको अपना नाम फिल करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब ये पूछेगा इन व्हाट फील्ड इंडस्ट्री ऑफ यू वर्क, आप किस फील्ड में किस क्षेत्र में काम करते हो, वो आपका कैसा काम है, वो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपके सामने आएगा व्हाट इज योर जॉब, जैसे कि मैंने जो सेलेक्ट किया, आप ये पूछ रहे हैं आप जिस में आप जिस भी कंपनी में काम करते हो जैसा भी आपका काम है उसमें आप मैनेजर हो, प्रोफेशनल हो, वर्कर हो, कौन हो आप, वो सेलेक्ट करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद पूछेगा हाउ मच यू एवरेज मंथली इनकम, आपकी पर मंथ आप कितना पैसा कमाते हो, आपको एवरेज इनकम यहाँ पर डाल देनी है, फॉर एग्जाम्पल आपकी मंथली सैलरी जितनी है उतनी आपको डालनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं 15,000 डाल देता हूँ, इस तरीके से आपको अपनी मंथली इनकम यहाँ पे मंथली सैलरी डाल देनी है। उसके बाद नीचे एक बॉक्स आ गया, इस बॉक्स को टिक कर देना, मैंने इसको टिक कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हो, सारी चीज़ें बहुत आसान है, आप लोन अप्लाई करना। अब आपके सामने आएगा वैन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम, अब पूछ रहे आपकी मंथली सैलरी आपको किस डेट को मिलती है, 1, 2, 3, 5, 10 तारीख आपकी सैलरी आपको कब मिलती है, डेट आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करनी है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद पूछेगा हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, आपकी जो सैलरी आपको मिलती है वो आपको बैंक अकाउंट मिलती है या फिर चेक मिलता है या फिर कैश मिलता है, सैलरी कैसे मिलती है वो आपको सेलेक्ट करना है, मैंने अपने हिसाब से सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद पूछेगा विच लैंग्वेज डू यू परफेक्ट, आपके लिए कौन सी लैंग्वेज परफेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद पूछे पहले भी कभी आपको लोन मिल चुका, पहले भी आपने लोन अप्लाई किया या फिर आपको मिल चुका तो यस करेंगे, मैंने अप्लाई तो किया लेकिन अभी तक नहीं मिला, तो मैंने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया ये वाला। उसके बाद आपके सामने वेरीफाई योर जीमेल, यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी को दे देना है कॉन्टैक्ट वगैरह करने के लिए, तो मैंने ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर दिया। इस तरीके से आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगी सक्सेसफुली, देख सकते हैं मेरी ईमेल आईडी लग चुकी है। अब देखो आपने जो भी अपने पर्सनल डिटेल्स को फिल किया आपका पूरा कंप्लीट फॉर्म बन चुका है, अब इसको अप्लाई करना है, तो नीचे ऑप्शन आया फाइनल ऑप्शन ये वाला एक्टिवेट माई लोन, ये ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करके अपना लोन अप्लाई कर देना है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका लोन अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ 10 मिनट आपको वेट करना है, 10 मिनट में ट्रू बैलेंस की टीम आपके फॉर्म का रिव्यू करेगी और आपकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा, उसके आधार पर आपको जितना लोन मिलने के लायक होंगे आप उतना लोन अमाउंट आपको होम पेज पर शो हो जाएगा, जैसे अगर आपको 20,000 का लोन मिलने के लायक है तो 20,000 का होम पेज पर शो हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना एक बैंक अकाउंट ऐड करना है, उसके बाद आप लोन के पैसे को बैंक में ट्रांसफर कर पाओगे आसानी से। सो दोस्तों आप इस तरीके से ट्रू बैलेंस से आप लोन अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने आपको लाइव करके दिखाया है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो।